आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। सर मुझे होस्ट बना दीजिए, शेयर करना है। सर एक मिनट वंदना बजा दो सर। जी, नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट जी। प्रणाम सभी लोग को। मुझे ना पहले सभी लोग को म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि घर की आवाज आ रही है, कुट 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 आवाज आ रही है। देखिए, कल हम लोगों ने 14 नंबर का श्लोक तक पढ़ लिया था। अभी 15 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ना सिद्ध जल पीने के लिए बोला है। जब भी ज्वर होता है और प्यास लगती है तो उसके लिए क्या बताया है? तो देखिए, इतना बढ़िया बता रहे हैं कि घन चंदन, आपके स्क्रीन पे 15 नंबर का जो श्लोक दिख रहा है वो देखिए। पित्ताधिक के ज्वर में क्वथित जल का पान, ऐसा जो बताया है ना वो देखिए क्या बताया है। घन चंदन शुंठ्यंबु पर्पटोषी रसाधितम शीतम तेभ्यो हितम तोयम पाचरम तृढ़ ज्वरापहम। इसमें ये बता रहे हैं कि मुस्ता लाल चंदन शुंठी, मुस्ता डबल बार लिखा हुआ है, इसको मैं बताऊंगा, मुस्ता पित्त पापड़ा उशीर, इनसे सिद्ध किया हुआ शीतल जल पाचन करने वाला है और यह प्यास और ज्वर को नष्ट करता है। वक्तव्य में बोला है कर्षम ग्रहित्वा तो द्रवस्य तो ऐसा प्रस्थम मा वपेत अर्धावश्यम तद ग्रहम तो पाने त्वयम विधि। इसका मतलब है कि एक एक कर्ष लेना है सभी द्रव्य को और इसको पानी जो है एक प्रस्थ लेना है और जब हाफ रह जाए अर्धावशेषम तद ग्राह्यम तो पाने त्वयम विधि तब तो उसको सेवन करना है। तो ये प्यास और ज्वर को नष्ट करता है। अभी मैं टीका लेके आ रहा हूँ और हम टीका पढ़ेंगे और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को अनम्यूट भी करता हूँ, ऐसा मत सोचिए, लेकिन घर की आवाज प्लीज मत सुनाइए, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एक मिनट जी। आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी संस्कृत में, मैं इसका अर्थ बताऊंगा। जी सर। हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 15 नंबर का श्लोक और उसका सर टीका नहीं आया, श्लोक आया है। आपको क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन सर? श्लोक जो अभी आपने पढ़ा वही दिख रहा है, घन चंदन जो आपने अभी श्लोक पढ़ा। रुकिए फिर से मैं करता हूँ। अभी दिख रहा है सर? आ रहा है जी। जी सर। तेभ्य उदीरित पित्ताधिभ्य पिपासितेभ्यो
तेभ्यो उद्रिक्त पित्ता पित्ता दिभ्य पिपासि तेभ्यो घनासि 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 साधित शीत तोय हितम। रुके, इसमें क्या बता रहे हैं कि जब पित्त बहुत ज्यादा उद्रिक्त हुआ है, पित्त के सारे सिम्टम दिख रहे हैं या प्यास लगी है, यहाँ पर ऐसे बताए पिपासित को, और जिनका पित्त बहुत उद्रिक्त हुआ है, ये सब लेके लिए घनादि साधित शीतम तोयम हितम। घनादि साधित मतलब मुस्ता आदि से सिद्ध किया हुआ जो शीतल तोय मतलब शीतल जल है वो हितकारी होता है। पानीय सावने च तत्रांतरे विधि रुक्तो यथा पढ़िए। कर्ष गृहीत्वा द्रव्यस्य तोयस्य प्रस्थम आवपेत। पूरा पढ़िए। पढ़ दूं सर। हाँ पूरा पढ़ दीजिए। अर्धावशेष तत्राघ्यः तोय पाने त्वय विधि इति। हाँ इसमें बोल रहे हैं कि यह पानी सिद्ध करने का अलग-अलग तंत्रों में अलग-अलग विधि ही उक्त यथा कर्षम रहितो द्रव्यस्य, मतलब एक कर्ष लेना है सभी को, और मतलब सबको मिक्स करके एक कर्ष लेना है और एक प्रस्थ पानी लेना है, और उसका अर्धावशेष रहने पे वो पानी को पीना है। हिमाद्री की टीका पढ़िए प्लीज। निषिद्धो निषिद्धो उष्णो दकानाः शीतोदक माहा वनचंदने इत्यादि चंदन शब्देन रक्त चंदन ग्राह्यम चंदने रक्त चंदनम इति वचनात्। इसमें बोल रहे हैं कि उष्णोदक जो है उसका निषेध किया गया है, इसको आप सिद्ध कर लेंगे ना तो इसको ठंडा करके शीतोदक मतलब शीतल जल ही पीना है, सिद्ध जल। और घन चंदन इत्यादि, घन चंदन मतलब मुस्ता चंदन शुंठी फिर परपट उशीर, इन सबसे सिद्ध किया हुआ, ये एक तरह से षडंग पानी ही है। और चंदन शब्द से यहाँ रक्त चंदन का ग्रहण करना है, और यही बताए चंदने रक्त चंदनम इति वचनात्, ये वचन से ये समझ आता है। अभी इस पे अंजना मैम आप कुछ बताएंगी? जी सर, नमस्कार सर। सर प्रणाम। वही जो हम लोग जनरली आप सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि ज्वर में जो है स्पेशली अग्नि बहुत ज्यादा मंद हो जाती है, और हमें वहां पे क्या करना है कि वायु का निर्गमन भी करना है और अग्नि का संदूषण भी करना है, क्योंकि वायु के बिना अग्नि को हम संदूषित नहीं कर सकते। जैसे कल ही आकांक्षी मैडम ने बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम चूल्हे की आग बुझ जाती है और उस पर तो राख आ जाती है, तो हम थोड़ा सा उसको फूंक मारते हैं तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो इसी तरह से अगर यही सिद्धांत के हम दिमाग में रख के अगर हम वायु को थोड़ा सा जो है अनुरोमित करके और अग्नि को संरक्षण करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी ये ड्रग्स बताई गई हैं, इस तरह की जो ड्रग्स हमारे स्पेशली जो है वो षडंग पानी है, हम लोग उसमें चाहे पित्त पापड़ा ही स्पेशली यूज कर ले या अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा भी जो हमारी ड्रग्स हैं वो उन ड्रग्स को भी हम लोग शत शीत में या फिर केवल उसका फांट बनाकर भी सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग सिंपल पानी नहीं देते हैं, या तो बॉइल्ड पानी को ठंडा करके देते हैं या फिर फांट बना के भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर पित्त की ज्यादा अधिकता होती है तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि आप उनको शीतल पानी दे सकते हैं, लेकिन उसको संस्कारित होना चाहिए औषधियों से, जो कि हमारी पित्तशामक औषधियां हैं। तो ये इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा पड़ता है, जहाँ पे बहुत अधिक उष्णता है, दाहा है और पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, समटाइम्स तो क्रोध भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमने सिंपल भी ऐसे पेशेंट में, जैसे हम अपने पेशेंट की बात करते हैं, जब पित्त दुष्टि के बाद जब रक्त की दुष्टि होती है और वहाँ ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह के लिए पेशेंट आते हैं, तो सिंपल षडंग पानी को हम आप स्पेशली बताते हैं कि आप इसको लीजिए, 200 200 ml भी लीजिए, एक एक गिलास भर के लीजिए, दिन में 2 बार 3 बार लीजिए, ज्यादा भी ले सकते हैं, और पेशेंट को बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स मिलता है और अग्नि भी एकदम जो है वो बहुत अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। क्योंकि अगर अग्नि पित्त जब कुपित होता है तो उसके लक्षण बहुत जो है दाहा पाक, उसके अलावा उसमें जो है पेशेंट को कहीं ना कहीं रक्त के साथ इन्वॉल्व करके रक्त पित्त वाले लक्षण भी मिल जाते हैं। यहाँ ज्वर की बात चल रही है तो ज्वर जिस तरह से अगर उसको तीव्र ज्वर है और पेशेंट को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हमने अगर इस पानी को बना के रखा हुआ है और उसको हम स्पून फीडिंग भी उससे कराएंगे, थोड़ा थोड़ा भी देंगे पेशेंट को, तो जो दाहा और पाक के जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स होती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशंस होते हैं और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, तो उससे उसमें बहुत आराम मिलता है। जी आप लोग केरल में जाएंगे ना तो हर होटल में त्रिवेंद्रम के जी उधर वही पानी पीने को देते हैं और लोग जी पीते हैं उसको। पाना अमृत बोलते हैं उसको, पाना अमृत। जी
और ना आप लोगों ने देखा होगा कि केरल में जो कोरोना था ज्यादा नहीं फैला, क्योंकि ना वो लोग सड़ंग पानी पी पी के अपनी अग्नि को अच्छा रखते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं। ठीक है, 16 नंबर का श्लोक पढ़ें। अनुरिता मैडम आप श्लोक पढ़ के हिंदी पढ़ेंगी? हाँ सर पढ़ेंगे। पढ़िए, और इसका मीनिंग भी बताइए। सर नंबर बताइए श्लोक का। 16, 16। 16 ना, 1 मिनट है। यस सर, ये इसका स्टार्टअप यहीं से है। अर्थाव वेदोच, क्योंकि पुष्पा पहली पिता लाइन दत्ते नास्ति। क्या, अर्धाव शेषम तदम प्राह्यम, नहीं, ये अधूरा दिख रहा उसके है। नीचे, उसके नीचे, क्या अच्छा, हाँ, ज्वर के पित्त वृद्धि आहार आदि का जो भी त्याग स्थाग यहाँ पे बताया है। त्याग। हाँ ऊष्मा सॉरी, पित्ता द्रुते नास्ति, ज्वरो नास्यति ऊष्मना विना, तस्मात् पित्तम विरुद्धानि त्यजेत पित्ता पित्त अधिके अधिकम, इसमें पित्ता अधिके देखिए, अधिकम। हाँ इसमें बोला है वो जो संधि, नास्ति उष्मणा विना, नास्ति उष्मणा, इसमें इको जाना चाहिए ई और अ का, ई और उ का यू बना है, इसमें। अच्छा आप अनुरिता मैम आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग श्लोक पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, ये ये फिर याद से पढ़ रखना दूँ? चाहिए। हाँ अच्छा, सब लोग अनम्यूट करिए और बोलिए मैम के पीछे पीछे। ऊष्मा पित्ता द्रुते नास्ति, उष्मा पिता द्रुते नास्ति, ज्वरो नास्ति अति ऊष्मना विना, ज्वरो ऊष्मना विना, तस्मात् नास्ति पित्त विरुद्धानि, तस्मात् पित्त विरुद्धानि उष्मा विरुद्धानि त्यजेत पित्ताधिके अधिकम्। अधिकम्। अब हिंदी पढ़िए, कुटी पढ़ेंगे। पित्त के बिना शरीर में उष्णिमा नहीं है, उष्णिमा के बिना ज्वर नहीं होता, और इसीलिए जो पित्त के विरोधी आहार और विहार है उनको संपूर्ण रूप में ज्वर में त्याग करे। पित्त की अधिकता वाले ज्वरों में अतिशय रूप में छोड़े, अतिशय रूप में छोड़े, ज्वर में स्नान का निषेध है। नहीं, अभी इसका इस पे चर्चा करेंगे ना, ये श्लोक पे आपको क्या हाँ। समझ आया बताइए। सर एक्चुअली जो मतलब ज्वर भी है और पित्तज ज्वर है, तो उसकी वजह से वहां पे जो पित्त बढ़ाने वाले जो भी अहेतु है उसको छोड़ देना चाहिए, उसके बाद ये पित्त का आहार बंद कर देना चाहिए। इवन ज्वर में स्नान भी निषिद्ध कहा गया है। इवन मतलब मैं तो प्रैक्टिकली ऐसे देखती हूँ सर, कि जैसे भूख लगता है, पसीना आने लगता है, तो पेशेंट खुद ब खुद बोलता है कि अभी नहाए तो चलेगा क्या, तब तक उसको शरीर लाघव नहीं महसूस होता है, तो शायद यही होगा सर। यही होगा, नहीं इसमें बोलेंगे पित्तवर्धक आहार, जैसे मिर्ची नहीं खाना है, हाँ हाँ मसाला हाँ नहीं खाना है, जब पित्त को तिक्का बढ़ जाएगा मिर्ची, तो और एग्रेवेट हो गया और तकलीफ हो जाएगा। इवन सर स्ट्रेस भी तो वही करता है ना सर, स्ट्रेस, रात्रि जागरण, उसके बाद में जो भी रोज अति रोज लेना तीक्ष्ण चाहिए। उष्ण। कल एक मैडम आई थी, वो क्या बोल रही थी, जो आई थी आकांक्षा नाम से आई थी, वो बोल रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो कुलप सिंह जी लाए थे ना, किसी को लाए थे ना कल एक पेशेंट को, एक जी मैडम, सर, जी सर, हाँ वो बोली थी मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, उनका पूरा पित्त दुष्ट ग्रहणी का रोग है सारा। सर ट्रीटमेंट नहीं डिस्कस हुआ सर उसका। हम करेंगे करेंगे सर करेंगे, पहले ये हो जाने दीजिए फिर करेंगे हम। जी सर, जी सर, अभी ये संहिता का हो रहा है ना, हम करेंगे सर। आप कुलभ सिंह जी आप श्लोक ये पढ़िए ना, टीका पढ़िए, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। देखिए कौन सा सर? टीका है, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हाँ, जी सर, तो ये ये अरुणा की टीका पढ़िए। जी सर, पित्त बिना उष्माना विद्यते, ज्वरो ज्वरोष्माणा बिना नास्ति, संताप लक्षणत्वात् ज्वरस्य रुके यत्। रुके रुके, इसका मतलब है कि पित्त के बिना उष्मा नहीं होती है, बॉडी में जो हीट है, ये पूरे संसार में जो हीट है वो पित्त के वजह से है, ज्वर सोष्मणा, लेकिन बाहर संसार में जो है वो हम ये नहीं बोलेंगे पित्त है, शरीर में जो पित्त रहता है उष्मा बनने वाला उसी को पित्त बोलते हैं। और ज्वर उष्मणा बिना नास्ति, ज्वर जब भी रहता है हाई ग्रेड टेम्परेचर, वो गर्मी के बिना नहीं हो सकता है, अगर शरीर में गर्मी नहीं है तो ज्वर नहीं है। और संताप लक्षणत्वात ज्वरस्य, मतलब शरीर गर्म होना, यही ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण होता है। आगे पढ़िए, यत यतश्चैव। यत चैव तस
पित्तस्य विरुद्ध आहार विहारादीन तान सर्व सर्वस्मिन् ज्वरे त्यजेत। हाँ, जब इन्होंने बता दिया कि हीट होना वो पित्त का मेन मतलब पित्त के वजह से ही हीट होता है, और ज्वर होता है वो बिना गर्मी के नहीं हो सकता है, हीट के नहीं हो सकता, और शरीर गर्म होना संतापित होना ये ज्वर का प्रत्यात्मक लक्षण है। इसलिए हमेशा पित्त से विरुद्ध आहार विहार, पित्त को बढ़ाने वाले विरुद्ध आहार विहार का त्याग कर देना चाहिए। एक मिनट में सभी को म्यूट करता हूँ क्योंकि किचन की आवाज आ रही है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वही बस अनम्यूट करिए जी। तो ये बोल रहे हैं कि इसीलिए पित्त को बढ़ाने वाले विरुद्ध आहार विहार का त्याग कर देना चाहिए, जैसे अजीर्ण में भोजन करना, क्षार का सेवन करना, कटु रस का सेवन करना, अम्ल रस, लवण रस, इनका सेवन ज्यादा करना, ये सब का सेवन, क्रोध करना, ये सभी ज्वर में त्याग देना चाहिए। सर्वस्मिन् ज्वरे त्यजेत। फिर बोल रहे हैं आगे पढ़िए, पित्तादिके पुनर्विद कृत्वा अतिशयेन त्यजेत। अब वो पित्त उसमें संप्राप्ति है ही, और आपने और पित्तवर्धक आहार विहार किया तो अति योग हो जाएगा, तो इसलिए अतिशयन त्यजेत, इसलिए त्याग देना चाहिए। इत्यादिक इत्यादि ग्रह ग्रहणेन प्रतिपादयति सर्वो जरो त्रिदोषो भूयसा तु व्यापदेश इति। इसमें क्या होता है कि जब पित्ताधिक बोल रहे हैं तो इसमें ज्यादातर हम पित्त का ही इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। इसमें कफ और वायु तो है लेकिन इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, और जितने भी ज्वर होते हैं भूयसातु व्यपदेश, इससे जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हम लोग ने पदार्थ में पढ़ा था व्यपदेशस्तु भूयसा, मतलब उसमें पढ़ा था कि जो नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य, अनित्य द्रव्य जो है ना, नित्य द्रव्य तो नित्य द्रव्य, अनित्य द्रव्य जो है ना, तो आकाशीय तत्व हम देख रहे हैं तो उसमें आकाशीय तत्व जो है वो ज्यादा है, और बाकी वन एट दूसरे महाभूत रहते हैं, तो जो ज्यादा डोमिनेंस है उसको हम बोलते हैं कि ये महाभूत प्रधान अनित्य द्रव्य है। उसी तरह से ज्वर में दूसरे दोष तो रहते हैं, त्रिदोषज रहते हैं, लेकिन इसमें पित्त का डोमिनेंस ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ज्वर व्याधि पित्त के वजह से बढ़ा हुआ है, मतलब पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है इसमें। अब हिमाद्री जी की आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा, आप ही पढ़ दीजिए सर। ऊष्मा संताप सर्व अस्मिन् ज्वरे निषेध पित्ताधिके त्वकाधिकम् राग सत्रात्। हाँ, त्वकाधिकम् राग सत्राख्या निषेधो नाभिधि तस्य तो अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि उष्मा मतलब संताप, मतलब शरीर गर्म होना, यही उष्मा रहता है। सर्वस्मिन् ज्वरे निषेध पित्ताधिके द्वधिकम्, इसलिए सभी ज्वरों में पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन विरुद्ध जो है आहार विहार का त्याग बोला है, और इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है ज्वर में, सभी ज्वरों में। फिर बोल रहे हैं कि राग प्राप्त से निषेध होना विधि प्राप्त से, इसमें राग जो गुस्सा होता है उसको भी निषेध बोलते हैं, और उसमें विधि युक्त हमने उष्णोदक है वह भी त्याग करने को बोला है, मतलब हमें गर्म चीज भी नहीं देना है। इस पर मोनिका मैम आपने हैंड रेस किया था, आप कुछ बोलना चाहती हैं मोनिका मैम? जी सर। सर मेरे को बस ये थोड़ा सा पूछना था, जैसे हम बोलते हैं कि फीवर है तो शुरू में आप लंघन दीपन पाचन कीजिए, तो हम लोग यूजुअली शुंठी सिद्ध जल देने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पे बोला पित्त विरुद्ध, तो फिर शुंठी भी तो सर वीर्य उसका उष्ण होता है सर, लेकिन उष्ण वीर्य होती है ना, पचन करती है, बिना आम का पचन करने के हो ही नहीं सकता है, तो आम को ध्यान में रखते हैं वहां पे शुंठी का रस नहीं देखते हैं सर, पर वीर्य उष्ण है सर, ठीक है ना, आम का पचन करने के लिए करते हैं शुंठी, शुंठी हम 2 किलो नहीं खिलाते हैं कि बहुत ज्यादा खिलाते, वहां पे आम पचन होना स्त्रोत शुद्ध करने के लिए, अगर हम वैसा चीज नहीं देंगे तो स्त्रोत शुद्ध ही नहीं होगा। यहाँ पर पित्त आहार विहार ऐसे बोला, औषधि के लिए नहीं बोला है, मतलब आहार विहार, ओके ठीक सर, आहार विहार जी, जी, मिर्ची वाला खाना, मसाले वाला, स्पाइसी चीजें, ऑयली चीजें, या विहार में बहुत ज्यादा धूप में घूमना भारत में। अंजना मैम आप कुछ बताइए, अभी हम श्लोक तो पढ़ लिए लेकिन इसको अच्छे से इलैबोरेट होना चाहिए,
डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, अंजना मैम, आप लोग बताइए अच्छे से, आकांक्षा मैम अपने ग्रुप का सर, ये श्लोक बहुत अच्छा है, ये सब अपने बहुत अच्छा श्लोक खास कहते हैं कि अंजना मैम अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, आकांक्षा मैम एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से बता देती है व्यवहारिक चीज जी, बताइए। हाँ सर, इसमें सबसे अच्छा श्लोक ये बहुत अच्छा लगता है, हम लोग यूजी लेवल से ही पढ़ते हैं कि उष्मा पित्त आद्रते नास्ति ज्वरो नास्ति उष्मणा विना तस्मात पित्त विरुद्धनानि तेजेत पित्ताधिर अधिकम। तो साफ साफ श्लोक अपने आप में ही सारी बातें कह दे रहा है कि जो हमारे शरीर में जितनी भी गर्मी होती है या जो ऊष्मा होती है वो कभी भी जो है हम लोग मानते हैं ना, जैसे विसर्ग दान विक्षेपो सोम सूर्य नीला यथा धारयन्ते जगत देहम कः पित्ता नीलश तथा। मतलब जैसे कि जो विसर्ग काल होता है या दान काल होता है, या जो विसर्ग होता है दान होता है और विक्षेप होता है वो सोम सूर्य नील से, मतलब सूरज से और वायु से होता है, ठीक उसी प्रकार जो है निसर्ग दान विक्षेप सोम सूर्य नीला जाता है धारयन्ते जगत देहम कफ पित्त नीलश, उसी प्रकार जो है हमारा जो कफ पित्त और वायु हम सभी जानते हैं कि वो हमारे देह को धारण करते हैं, जैसे कि वो सोम सूर्य अनिल जो है वो जगत को धारण करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे सूर्य के कारण पूरे ब्रह्मांड में गर्मी होती है, वैसे ही हमारे शरीर में जो गर्मी की प्रतीति होती है या उष्मा की प्रतीति होती है वो पित्त के कारण होती है, और वो जो पित्त होता है वो पित्त की विकृति से हमें ज्यादा उष्मा प्राप्त होती है। इन्होंने बोला ना ज्वरो नास्ति उष्मणा बिना, तो ज्वर जो है बिना पित्त के विकृति के नहीं हो सकता है, कफ अग्निमंद भी अगर हो रहा है तो भी वो पित्त की ही दुष्टि हो रही है, या पित्त बिना पित्त की दुष्टि के नहीं हो सकता। तो हमें सभी ज्वरों में स्पेशली जो भी हम चिकित्सा करते हैं वहां पे हमें पित्त प्रधान ज्वर में या जो भी हमें पित्त को ध्यान में रख के वहां चिकित्सा करना है तो किसी भी तरह से हमें उसमें पित्तवर्धक आहार दिया, जिसे कि हम उसको प्रज्ञाप्राद भी कहते हैं कि आम का अचार खा लिया, मिर्च का अचार खा लिया, बहुत ज्यादा सरसों का तेल, सरसों वाली तेल की सब्जी खा ली, नमक खा लिया, मिर्च मसाला खा लिया, बहुत ज्यादा चटपटा खा लिया, बाहर का जो है अपने फास्ट फूड खा लिया, तो ये सब पित्त को प्रकोपित करते हैं। और जब ये पित्त को प्रकोपित करते हैं तो फिर ये जो है आहार विहार जो है इस तरह का आहार विहार रहने से हमारा पित्त जो है वो प्रकोपित होगा ही होगा, और उससे फिर हम कभी भी ज्वर की चिकित्सा प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से बताया है कि यहाँ पे पित्त पित्त शुद्धानी अथवा वर्जितानी, मतलब जो भी पित्त को प्रकोपित करे वहां उसका वर्जित, उसको वर्जित है, वो चीज वहां पे नहीं ग्रहण करना है, पित्त के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर पित्त के विरुद्ध हम कार्य करेंगे तो फिर वो क्या होगा, वहां से और पित्त कुपित हो जाएगा और हमारी पूरी जो पाचन प्रणाली है वो जो है, और उसके साथ हमारे और भी जो दोष है वायु और कफ है वो भी उसके साथ जो है कुपित हो जाएंगे, और फिर हमारी जो कहना चाहिए, कहने को तो ज्वर है लेकिन असाध्य अवस्था में जाके कभी कभी वो मारक भी हो जाता है। तो यहाँ एकदम हमारे आचार्य यही कहना चाहते हैं कि हमें जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं आहार पे बहुत ही कंसंट्रेट करना है, और साथ में विहार पर भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, जो कि पित्त को बढ़ाए ना, पित्त को वो साम्य अवस्था में लेके आए, ऐसे आहार विहार हमें करना चाहिए। जी जी अंजना मैडम, प्रणाम मैडम। जी सर, अंजना मैडम एक छोटा सा मुझे डाउट था। जी मैडम। मैडम जैसे ज्वर चिकित्सा में लंघन कराने बोला गया है उपवास कराने के लिए, तो उपवास कराने से फिर क्या पड़ेगा मैडम? वायु बढ़ता है सर। नहीं, उपवास कराने से पड़ेगा, जैसे आपने ध्यान दिया होगा हम आम का पचन करने के लिए लंघन बोला है, और ये ये सब बोला है आम को ध्यान में रखे। हाँ सर, वो तो इनका हाँ उसमें तो आम की वृद्धि, आम को जो वृद्धि हो जाती है अग्निमंद हो जाती है, तो वो लंघन करता है और पित्त को वो साम्य अवस्था में ला रहा है, अग्नि को साम्य अवस्था में ला रहा है, लेकिन अगर अधिक लंघन किया जाता है तो कभी कभी वायु का वायु कुपित हो जाती है, इसीलिए वायु प्रधान जो हमारा वायु जो बाध्य ज्वर है उसमें लंघन को मना भी किया गया है, वहां स्नेहन बताया गया है। जी मैम, इसलिए उसमें ज्वर में हम गृहपान कर सकते हैं क्या स्नेहन के? हाँ, बताया है मैडम एकदम साफ साफ बताया है कि जहाँ स्नेहन करना है, जहाँ वायु के लक्षण ज्यादा मिलते हैं, लेकिन लेकिन हाँ। तब करना है जब हम हमारा पेशेंट को लगे कि हाँ हम जो है जो दोष थे आम दोष जो था वो उसका जो सानिध्य था, ये कहते हैं ना जो आम दोष संबद्ध था वो थोड़ा सा आम दोष पूरी तरह से पचन हो गया है ना। कभी हाँ। कभी ऐसा होता है ना, कितने दिन तक लंघन करना चाहिए, कब तक लंघन करना चाहिए, इसी पे हम लोग अभी पिछले 2 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं
तो लंघन हाँ. तब तक करना चाहिए जब हमारे पेशेंट को क्षुधा प्राप्ति होने लगे, उसको लगे कि हाँ अब मुझे कुछ खाना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम दाढ़ी मास्टर ग्रत है, पंचकोल मतलब इस तरह का पंचकोल ग्रत है, त्रिफला ग्रत है, पेशेंट के अकॉर्डिंगली जो उसकी प्रकृति है, जो उसका दोष है, उसके हिसाब से अगर हम इस ग्रत का ग्रत कराएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन आम अगर उसी में हमने हाँ उसी में हमने घर दे दिया तो गलत होगा, तो इसलिए सबसे पहले लंघन की बात आती है। ओके थैंक यू जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम। हेलो। हाँ जी बताइए आकांक्षा जी। जी सर। सर अभी जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं कि श्लोक में बहुत अच्छे से बताया गया है के जो पित्त है वो उष्मा के बिना नहीं हो सकता है। तो जो अगर हम देखते हैं कि पित्त के अगर हम कर्म देखते हैं कि अभी हम ज्वर में चल रहे हैं, तो पित्त में के कर्म अगर हम देखेंगे तो स्वेद क्लेद श्रुति कोद सदनम मूर्छनम मदह कटु कामलो रसो वर्ण पांडु आरुण वर्जिता। तो पित्त दोष के कर्म पे अगर हम देखेंगे तो दाह लाना, लालिमा, उष्णता, पाक करना, स्वेद क्लेद सड़न करना, कोत करना, सदन करना, मूर्छा, मद, मुख में कटुता लाना, अम्ल। तो कहीं ना कहीं अगर पित्तज ज्वर है और उसके बाद भी अगर हम इस तरीके का आहार विहार कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं यह हमारे दोषों का पाक की तरफ ले जाएगा, यानी धातुओं को भी ये पाक की तरफ ले जाएगा। ये इसमें हो सकता है क्योंकि अगर हम पित्त के कर्म ही देखते हैं तो उसके उसी तरह। तो अगर इसके मतलब इसके बावजूद के पित्त ज्वर है और पेशेंट अगर ये कंटिन्यू करता है आहार विहार, तो आगे चल के ये धातु पाकावस्था में भी जा सकती है और ये ऐसी कंडीशंस ला सकता है। इसलिए अष्टांग हृदय में अगर हम चिकित्सा में अगर जाते हैं दोषों की, तो उसमें सबसे बड़ा उपक्रम जो बताया गया है वो भी चिकित्सा उपक्रम इसी का बताया गया, पित्त का ही उपक्रम बताया गया। मतलब वात पित्त तो ठीक है, लेकिन वात और कफ ठीक है, लेकिन पित्त के उपक्रम को समझने के लिए यानी ट्रीटमेंट में ही कितनी समस्या होती है उसके लिए कितना बड़ा उन्होंने कितने सारे श्लोकों का वर्णन किया है। उसमें भी जो बताया गया उसमें जो मेन है पित्त से सर्पिषा पानम स्वादु शीत विरेचनम स्वादु तिक्त कषायानी भोजने औषधानी च सुगंधि शीत हृदयानम। तो ऐसे करके जितने भी पित्त शामक उपक्रम हम कर सकते हैं पेशेंट के लिए, उसमें जो भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो सुगंधित शीतल चीजों का उपयोग हो या गले में जैसे मोती की माला बताई गई है, तो ऐसे बहुत सारे उपक्रम पित्त के लिए करने हैं क्योंकि पित्त के ऊपर कंट्रोल करना हमारा थोड़ा मुश्किल है rather than वात एंड कफ। तो इसलिए इसके उपक्रम थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए इसके आहार विहार के बारे में भी पेशेंट को हमको ज्यादा स्ट्रॉन्गली सचेत करना चाहिए कि ये आगे जाके और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। तो और इसमें जैसे मैम ने अभी बताया कि जैसे सर्पिष का पान वगैरह भी इसके उपक्रम में ही आता है, मतलब शीतांबू, जैसे अभी हमने जल का इससे पहले वाला श्लोक पढ़ा था कि हमको उष्ण जल सेवन नहीं कराना, यहाँ पे शीतांबू बताया गया है, तो वहां पे भी, और उसके बाद सर्पी पान बताया गया है। तो पहले जैसे बताया गया यहाँ पे उपवास करना है ताकि आम का पाचन हो जाए, और उसके बाद फिर पित्त के शमन के लिए फिर सर्पी पान और विरेचन जो भी उपक्रम बताए गए उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंगली वो पेशेंट में कर सकते हैं। जी सर। इस पर और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर एक पॉइंट इसमें और ऐड किया जा सकता है, जैसे अभी सर ने भी मुझसे पूछा था उसी के बारे में बता रही हूँ मैं, कि जो इसमें क्या है कि जर में जो पित्त का जो उष्ण गुण होता है ना, उष्ण गुण के कारण जो शरीर धातु जो होती है हमारी उसमें क्या होता है, जनरली स्निग्धता कम हो जाती है। उष्ण गुण जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि वहां पे रुक्षता हो जाएगी और स्निग्धता कम हो जाएगी, और इसको रुक्षता को भी अगर हम कम करना चाहेंगे तो भी हमें फिर क्या है, हमें घृत देना ही पड़ेगा। तो जैसे दो बातें यहाँ पे आ गई कि हमें सबसे पहले जो है हमारे आचार्य चरक ने और योग रत्नाकर का ही शायद वो वाला श्लोक है ना सर, कि ज्वरादो लंघनम कुरियात ज्वर मध्य दुपाचनम ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम एतत् ज्वर चिकित्सकम, बताया ना कि पहले हमें लंघन करना ही करना है, उसके बाद हमें पाचन करना है, उसके बाद हमें रेचन करना है। तो यहाँ पे जो आप जब हमारा कुपित हो गया है और उसकी स्निग्धता कम हो गई है, तो वहाँ उसका भी अपना जो गुण है, जहाँ स्निग्धता कम होगी तो स्निग्ध का जो हमारा अपोजिट गुण है वो रुक्ष है, तो वो रुक्षता को भी शांत करना है हमको, और हमको जो है बढ़ी हुई वायु को भी शांत करना है। तो मेनली जो पित्त को अगर हम कंसंट्रेट होकर देखते हैं तो भी हमें यहाँ पे पंच तिक्त ग्रह जो कि तिक्त रस प्रधान जो हमारा औषधियां है वो हम उससे
संस्कार ग्रंथ को दिया जा सकता। प्रणाम। हाँ जी बताइए सर। जैसे क्या होता है कि अपन सभी को प्रणाम सर, ये कि ज्वर में क्या होता है कि जो धातु जो जठराग्नि होती है वो कोष्ठ से शाखाओं में आ जाती है, इसलिए ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो उस वजह से शरीर की अग्नि पूरी तरह मंद हो जाती है, तो उस अग्नि को वापस अपने पुनः स्थान पर लाने के लिए लंघन किया जाता है। और लंघन का मतलब जैसे पूछ रहे थे सर कि लंघन करने से क्या होगा, तो यानी अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि जब प्रदीप्त होगी तो उसकी वजह से पित्त अपने स्थान पर आ जाएगा, इसीलिए इसको मतलब ये कह सकते हैं भाई लंघन से तो आम पाचन होगा। हाँ सर, आम पाचन के सही कह रहे हो सर, आपकी आम पाचन होगा और आम पाचन होने से अग्नि अपने पुनः जो कोष्ठ है उसमें आ जाएगी, इससे जर ज्वर की शांति भी हो जाएगी। इसीलिए सर जो प्रथम अभी मैडम बता रही थी कि ज्वर आदो लंघनम, तो ज्वर में सर्वप्रथम लंघन कराया जाता है और लंघन आम पाचन का ही एक पर्याय है। चरक ने भी हाँ सब चरक ने भी बहुत अच्छे से बताया, चरक चिकित्सा स्थान में आप सभी लोगों ने पढ़ा है अध्याय 3 का जो श्लोक है ज्वर चिकित्सा में, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर हम लंघन कराते हैं तो लंघन क्या करता है, लंघनेन क्षयम नीते दोषे संदुक्षिते अनिले बी ज्वरम लघुत्वम च छुच्चैवास्योप जायते। अर्थात अगर हम लंघन करा रहे हैं तो अग्नि का संदूषण कर रहा है, बढ़े हुए दोषों को कम कर रहा है, शरीर की लघुता प्राप्त होती है, क्षुधा की वृद्धि होती है, तृष्णा अरुचि भी कम होती है, ज्वर कम होता है, बल प्राप्त होता है। इस तरह से पूरा टीकाकार ने बहुत अच्छे से उसको एक एक श्लोक से हम लोग इसकी टीका पढ़ते हैं बताया है गिल्हर जी ने, और बहुत अच्छा कृपाणी जी ने सॉरी, और उन्होंने पूरा बताया है कि ये जो है 7 लाभ हमको लंघन से मिलते हैं। और सर की बात सबसे वो है कि इम्पोर्टेंट है कि लंघन से आम का पाचन होता है, और जैसे ही आम का पाचन होता है तो श्रोत अवरोध दूर हो जाता है, और श्रोत अवरोध दूर होने से स्पेशली जो हमारे स्वेदवे श्रोतस है, हमारे अम्बुवे श्रोतस है, जब वहां पे अवरोध कम हो जाता है या श्रोत अवरोध खत्म हो जाता है तो जो हमारा पाचक पित्त था वो स्वस्थान में आ जाएगा अर्थात आमाशय में आ जाएगा और फिर अग्नि का संदूषण करेगा और आम जनित गौरव जो है आम कम हो जाएगा और उससे शरीर को लघुता प्राप्त हो जाएगी, और अग्निमान जब दूर होता है तभी शुदा की वृद्धि होती है। एकदम यही डिस्कशन जो अभी आपने सर किया बिल्कुल उसी तरह से शरक में भी बताया गया है। जी सर। जी बहुत बढ़िया डिस्कशन हो रहा है। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर अश्विनी जी बहुत अच्छे अच्छे लोग तो हैं। नवजोत कौर मैम आपका कुछ मत है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप कुछ बताइए, इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर लोग हैं हमारे साथ। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम सुन पा रही हैं क्या? जी सर प्रणाम सर। आप कुछ बताइए ये श्लोक के बारे में, आपका कोई प्रैक्टिकल चीज बताइए कि पेशेंट ने पित्त वाला चीज खाया तो उसका एग्रेवेट हो गया पित्त वाले सिम्टम। जी सर अभी तो बहुत अच्छे डिस्कशन हुए, मैडम ने पूरा सारांश बता दिए है। सर वही एक जो अभी डॉक्टर साहब ने बताए थे कि सुंठी का प्रयोग है उसको भी मैं भी थोड़ा चिंतन कर रही थी, उसमें उष्ण है और उसको लेकिन उसको सुंठी को अपन जल में करके देते हैं और आम पाचन विशेषता उसमें होती है। तो सर इसमें एक और मुझे क्वेश्चन करना था कि त्रिकटू का भी प्रयोग घृत में कर सकते हैं ना सर? क्यों नहीं करते हम लोग यहाँ जो भी हम दे रहे हैं ना त्रिकटू दे रहे हैं, आम को ध्यान में रख के कर रहे हैं, वो भी औषधि मात्रा में कम मात्रा में दे रहे हैं। जी सर जब कभी ऐसा लग रहा है कि सुंठी में हमको यदि उष्णता आ रही है तो उसको उसके इन प्लेस त्रिकटू को घृत में भी सेवन करा सकते हैं। हाँ जी और बाकी तो सभी डिस्कशन बहुत अच्छे थे सर, ज्ञानवर्धक है, मैं तो सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। हेलो सर पाठक सर। जी सर ज्वर में अग्निमान देवी हो और आमोत्पत्ति साम जीवा हो तो उस टाइम पे हम लक्ष्मण दोनों एक ही चीज है ना, एक ही एक की वजह से दूसरा होता है। सर उसमें लक्ष्मण दी यूज कर सकते हैं वटी हम? क्यों नहीं कर सकते, दीपन पाचन करता है ना। ओके सर ठीक। सर ये जो आखिरी लाइन श्लोक की है सर, राग
प्राप्त ख्याय निषेधे न विधि प्राप्त खेव इक्का क्या लिखा हुआ सर, ये इसको जरा समझाइए ना। राग प्राप्त से निषेधो मतलब जब किसी का पित्त बढ़ा है, क्रोध के वजह से पित्त बढ़ा हुआ है, तब ना न विधि प्राप्त से उक्तो उष्ण दका, तब उसमें गर्म पानी नहीं देना है। मतलब क्रोध के वजह से अगर ज्वर आया है, यहाँ पे ज्वर के बारे में बता रहे हैं ना, तो क्रोध की वजह से या किसी ऐसे चीज से, तब ना वहां पे उष्णोदक नहीं देना है, इसका मतलब यही है। उष्णोदक तो इसमें भी नहीं देना है ना अपने ज्वर में। हाँ तो यही मतलब मेडिसिन होने के बाद भी उष्णोदक नहीं देना है, पित्तवर्धक चीजें नहीं देनी है, ये हिमाद्री जी का अपना मत है। ठीक है, हम आगे का अभी मैं ये स्टॉप स्क्रीन करता हूँ, अब मैं दूसरा लेके आता हूँ हिंदी वाला, उसमें एक लाइन रह गया। वैजी की जो वात कफ ज्वर है उसमें उष्णोदक देना है, पित्त ज्वर में नहीं देना है। जी, राग शब्द जो है ना वो ज्यादातर क्रोध के लिए है सब जगह। जब कोविड फैला हुआ था तो वात कफ ज्वर था, तो उष्णोदक को अच्छे से हम लोगों ने पान कराया था। जी, वंदना मैम आप 17 नंबर का श्लोक पढ़िए, ऐसे अनुरीता मैम ने थोड़ा बताया था ये चीज, आप पढ़ दीजिए। जी जी, स्नानाभियंग प्रदेहाश्च परिशेषं च लंघनम्। ज्वर में स्नान, अभ्यंग, प्रदेह, पूर्व कथित उपवास से भिन्न लंघन को भी पित्त में हितकारक होने पर भी छोड़ देवे। जी, मतलब आपको क्या समझ आएगी, क्या लिखा है, क्यों लिखा है? अभी तो ये थोड़ा सा इसको भी आप बताइएगा कि जैसे इसमें क्या है कि जब ज्वर होता है तो आमोदपत्ति होती है, स्त्रोतोरोध होता है ना, और पसीना नहीं आता है, स्वेदवत स्त्रोतस क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, पूरा पसीना आना बंद हो जाता है, तो इसलिए स्नान बंद, स्नान वर्ज बोला है, क्योंकि वो क्या होगा और स्त्रोतोरोध करेगा, हाँ स्वेदवत स्त्रोतस को और ब्लॉक करेगा, स्नान करना, अभ्यंग करना, प्रदेह लगाना, इसलिए बंद किया है। और जो जिस तरह से लंघन का मेथड बताया उससे अलग लंघन नहीं करना है, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, जैसे उपवास कर रहे हैं और साबुदाना की खिचड़ी खा रहे हैं, नमकीन, वो सब उस तरह का लंघन नहीं करना है। मतलब इसमें लघु आहार नहीं लेना, इसमें उपवास करना है। उपवास करना है, हाँ। और जो ज्वर में स्नान है वो अगर मतलब मॉडर्न से माने तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे आप स्त्रोत कह रहे हैं ना, स्त्रोत, हाँ स्त्रोत हो जाता है, तो हम जैसे स्नान करेंगे तो और बढ़ जाएगा, वैसो कंस्ट्रक्शन और बढ़ जाएगा। और अभ्यंग में जो इसलिए लंघनम स्वेदनम कालो, जी बोलिए, आम आम की जब अवस्था होती है तो अभ्यंग का निषेध है, तो इसलिए जो है अभ्यंग का निषेध उन्होंने किया हुआ है। हाँ, अभ्यंग करते हैं ना तो वो और स्त्रोतोरोध करता है, तेल डालेंगे ना तो अभी अंदर से खुला नहीं है, ऊपर से आप तेल डालेंगे तो ब्लॉक कर देगा पूरा। प्रदेह भी कोई भी लेप उप नहीं लगाना है उस टाइम पे। और वैजी जैसे बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है तो जो मॉडर्न में 104 106 में एकदम वाटर ठंडे पानी के अंदर बिल्कुल टब बाथ में डाल देते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ब्रेन तक ना चला जाइए, फीवर जो है ब्रेन तक ना जाए, और नहीं तो ब्रेन में जाएगा तो डैमेज करेगा, इसलिए वो जो देते हैं तो वो केवल टेम्परेचर कम करने के लिए, वो आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद में कहीं ऐसा लिखा है क्या ये सब चीज? जी हाँ, वो मॉडर्न का है कि टेम्परेचर ब्रेन में ना जाए, आयुर्वेद अपने कॉन्सेप्ट से चलता है, लंघनम स्वेदनम कालो ये भागवत बोल रहा है। इसकी जब तक आम मतलब आम सर, इस तो इसको इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं ना सर, जैसे हाई ग्रेड फीवर हो गया तो पित्त जब मतलब उष्मा ज्यादा बढ़ गई, उष्मा को शांत करने के लिए शीतल प्रसेक तो हम भी करते हैं ना। हाँ, शीतल प्रसेक करते हैं, आपका बात ठीक है। हाँ तो शीतल प्रसेक भी फिर वही होता, कोल्ड फर्मेंटेशन ही तो हुआ। जी मतलब उष्ण गुण बढ़ा हुआ है तो उसको बस हीट को कम करना है। जी सर, वैसो कंस्ट्रिक्शन तो उससे भी होगा, फिर वो कैसे काम करेगा सर? किससे होगा? शीतल प्रसेक जो हम करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं तो वो करने से वो केवल टेम्परेचर कम करना है, लेकिन पूरा चीज नहीं करना है, उसको कंटिन्यू नहीं करना है, नहीं तो वो बीमारी ठीक नहीं होती है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन तो होगा ना, हम लोग वो सिर पे बस ठंडा पट्टी रखने को अलाउ कर रहे हैं, प्रसेक
लेकिन वो तो स्त्रोत्रोद्धार करता है वो चीजें। अभी क्या है ना, एलोपैथी की जो दवाइयां हैं क्रोसिन वगैरह, इसको लेने से बॉडी में वो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, वो ना जल्दी से पसीना ला देती है, इतनी पावरफुल दवाई है कि पसीना ला देती है, वैसोडाइलेटेशन करके पसीना आ जाता है, फिर फीवर कम हो जाता है, हीट निकल जाता है। सर यहाँ पे एक बात काश्यप जी ने भी बहुत अच्छे से बताई है ज्वर के लिए, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने यही बताया है कि जब भी हम चिकित्सा करते हैं, ज्वर की चिकित्सा करते हैं, तो ज्वर की चिकित्सा में हमें सबसे पहले मतलब मृदु कहते हैं ना, बहुत अधिक तीक्ष्ण होना चाहिए, ना बहुत अधिक वो होना चाहिए, बीच का रास्ता मृदु स्वेदन की बात उन्होंने बताई है। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा पर्याय बताया जिसको मैं पढ़ रही थी काश्यप संहिता में एक बार, उसमें लिखा था कि जैसे कि अगर हम बुखार आता है तो बहुत तेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम लोग सभी जानते हैं, तो अगर हम उसको कहते हैं कि अगर हम कोई कहीं भट्टी जल रही है, जैसे कहीं बंद रहा है, तो अगर हम उसका दरवाजा बंद कर देंगे तो सारी की सारी आग अंदर हो जाएगी और बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी, लेकिन अगर हमें उसकी आग कम करनी होती है तो हम उसको खोल देते हैं, उसका दरवाजा खोल देते हैं और भट्टी शांत हो जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी उपमा दी है कि ज्वर जो है, ज्वर में क्या होता है कि सारे जो श्रोतस होते हैं वो आम से जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, आम की वृद्धि हो जाती है, कफ मंदाग्नि के कारण आम बनता है, और उससे तो यही आम के जो आवृत श्रोतस है अगर इसे खोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा जो है वो कम होने लगेगी। तो ये जो हम आम के श्रोतस कैसे खोलेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें क्या कहते हैं कि वो ये साफ मना करते हैं कि हमें, जैसे अभी आपने बताया कि हमें बहुत ज्यादा शीतोपचार नहीं करना है क्योंकि वो पित्त विरोधी हो जाता है, तो ज्यादा पित्त विरोधी अगर हम शीतोपचार करते हैं, क्योंकि शीतोपचार क्या होता है, वो स्तंभन करने वाला होता है, शीत गुण का कहा है कि वो स्तंभन करेगा, तो अभी तो हमें लग रहा है कि हमने ठंडे पानी से उसको नहला दिया या ठंडे पानी में अवगाहन करा दिया, लेकिन वो क्या होगा, जैसे अभी आपने कहा कि वो संकुचित हो जाता है और जो उष्ण गुण जो होता है वो फिर वो अंदर ही अंदर बंद हो जाएगा और शीत गुण स्तंभन करेगा, तो फिर वो बुखार कभी भी बाहर नहीं आएगा, अंदर रह जाएगा, जिससे कि धातु पाक होने लगेगा। तो यहाँ उन्होंने साफ साफ बताया है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर अक्सर बताते हैं कि हवादार कमरे में नहीं रहना है, या हमें कपड़ों को लपेट के रहना है, या फिर जैसे कि उसमें हल्का मृदु स्वेदन कर देना है, तो उससे श्रोतस होगी। जैसे उन्होंने अभी शुंठी की बात मैडम ने बताई थी, बहुत अच्छा बताया है, शास्त्रों में भी बताया है कि ऐसे में हमें मतलब लेपन कर देना चाहिए सर, जैसे वो लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, यहाँ पे वो कहते हैं कि शुंठी का लेप कर देना चाहिए, स्पेशली जो है हमारा सिर प्रदेश जो है हमारा, जैसे कहते हैं कि बहुत ऊपर तक सर बुखार ना चढ़ जाए, ब्रेन में ना आ जाए, तो ये शास्त्रोक्त मत आया है कि शिरा प्रदेश में जो है शुंठी का लेपन कर देने से क्या होता है, बुखार जो है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। और जैसे दूसरी बात, हम लोग जनरली से संजीवनी वगैरह है, तो अगर पेशेंट को हम नहीं भी दे पाते हैं तो उसको भी हम वहां पे सिर प्रदेश में लेप कर सकते हैं, जिससे कि वो पेशेंट को जो हम कहते हैं ना कि उसको माइंड को फीवर ना चढ़ जाए या उसको ब्रेन फीवर ना हो जाए, इंसेफेलाइटिस वगैरह की कंडीशन ना हो, ऐसी कंडीशन में दो चीजों का वर्णन आया है, स्पेशली बथस्नाप का और शुंठी का। तो शुंठी तो हमें लगता है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है घर पे, और हमें ये कार्य करना ही चाहिए कि जब फीवर बहुत तेज आता है तो हमें ठंडे पानी की पट्टियां या मृदु स्वेदन के लिए उन्होंने बताया है काश्यप जी ने, और दूसरा इस तरह के द्रव्यों का बताया है जो आम पाचन करती है, तो श्रोत शोधन करेंगी और श्रोत अवरोध को दूर कर देंगी, तो कहीं ना कहीं से ऊष्मा जो है वहां से अपना रास्ता बनाएगी और वो ज्वर कम हो जाएगा। ये एक कहीं मैंने चंदन का लेप करने से गड़बड़ हो जाएगी, चंदन लेप अगर करा तो सर अभी वही बताया ना उन्होंने, ये बताया है कि शीत जो हाँ करेंगे वहां पे फिर जैसे क्या होगा, वो ऊष्मा अंदर ही अंदर रह जाएगी, बाहर से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा कि बुखार कम हो गया है, तो वहां धातु पाक होने का डर होता है, तो इसलिए एकदम पित्त विरोधी हमें कोई भी उपचार नहीं करना है, हमें बीच का रास्ता निकालना है। जैसे शुंठी है तो मृदुता मृदु स्वेदन करेगी वो, तो यहाँ शास्त्रोक्त मत में बता दी, और इसको हम लोग को प्रैक्टिकली डालना चाहिए। बताया ना कि चंदन आदि का लेप नहीं करना है, या भी टीका पड़ेगा तो है इसमें। जी सर जी, उसी में मैडम जैसे वो हैंड एंड फीट बर्निंग होती है, मतलब जलन होती है, तो उसमें चंदन लगा देते तो कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, उसमें भी यही बिल्कुल एकदम है कि ऊष्मा जो है वो डूब जाती है और फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत अच्छा बताया सर। इसको क्या हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं क्या कि अगर हमने ज्यादा इसमें शीतल प्रदेह प्रलेप और अगर शीत उपचार बहुत ज्यादा जैसे बताया गया ऐसा किया तो कहीं ना
कहीं पित्त भी क्षीण हो सकता है, जिसके कारण जाठर अग्नि जो कि ऑलरेडी मतलब कम हो जाएगी, जिसको हमको बढ़ाना है, जाठर अग्नि को प्रदीप्त करना है, तो वो और बढ़ेगा, स्वेदवश स्रोत अवरुद्ध और हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा पूरा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। आम हटाना भी है ना, बिल्कुल बिल्कुल आम। हम लोग वैसे भी जो है ग्रास रूट, तो फीवर शरीर ठंडा हो जाएगा ये बात ठीक है, लेकिन स्रोतोरोध बढ़ेगा तो वो और संप्राप्ति ज्यादा बढ़ेगी, और बढ़ जाएगी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अंजना मैम क्या बोली थी आप? सर हम यही कह रहे थे कि हम लोग की जो चिकित्सा है ना वो ग्रास रूट लेवल से बताई जाती है ना, कि हमें कहाँ पे संशोधन करना है या शोधन करना है, हमें आम का ही पाचन करना है, हमें ऊपरी कवरिंग सुप्रेशन को आराम नहीं देना है, हमें एकदम रूट लेवल पे जाके चिकित्सा करना है, यही बता रहा है यहाँ पर जी हमने उस जी। अभी आप टीका पढ़िए, आप टीका पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, मैं उसका अर्थ बताता हूँ। कौन सा श्लोक है सर? आपके आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, न केवल ज्वरे पित्त विरुद्ध हानि तेज। हाँ हाँ दिख रहा है सर, मैं आप एक लाइन पढ़िए, मैं उसका अर्थ बताता हूँ। जी सर, न केवल ज्वरे पित्त विरुद्ध हानि तेजेत, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि केवल पित्त वाले ज्वर में ही नहीं करना है, हर तरह के ज्वर में पित्त विरुद्ध अन्न का त्याग करना है जी। यावत स्नानादिश्चे त्यजेत, इसी तरह से स्नान आदि का भी त्याग करना चाहिए, स्नान हो गया, अभ्यंग हो गया, प्रदेह हो गया, इन सब का त्याग करना है। इसके बाद लिख रहे हैं, स्नानादिना पित्त हरत्वाद शंकया शेवत्ते प्राप्ते अचि अचिन्ते प्रभात्यात् ज्वरे विरुद्धानेति तत्सेवन निषेधति। इसका मतलब है कि जब हम स्नान आदि करते हैं तो हमें ऐसा शंका होता है कि ये तो पित्त को निकाल रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है नहाने से, लेकिन इसका अचिंत प्रभाव होता है, मतलब इसीलिए ये बोल रहे हैं कि मतलब इनको ये बोल रहे हैं कि ये विरुद्ध है, ये ज्वर में नहाना नहीं है, अभी खासकर तरुण ज्वर में, इसलिए उसका सेवन निषेध बोला है, तरुण ज्वर में तो बिल्कुल नहीं नहाना। यहाँ लिख रहे प्रदेह है चंदनाद अनुलेप। हाँ, अब प्रदेश शब्द का मतलब बोल रहे हैं कि चंदन आदि का लेप भी नहीं लगाना है इधर। हाँ, परिशेष चा लंघन त्यजेत। हाँ, लंघनम, हाँ पढ़िए पढ़िए, थोड़ा पढ़ दे। यत लंघनम उपयुक्तम उपवास लक्षण ततो यदन्यतत परिशेषम। हाँ, इसमें बोल रहे हाँ जी बताए, वही उन्होंने एकादश प्रकार बता दिए। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इसमें ना लंघन जो है उसका भी त्याग करना है, मतलब लंघन जो अलग अलग टाइप के लंघन रहते हैं, जैसे कि हमारे इसमें टाइप्स बताए लंघन के कि वमन विरेचन बस्ती, फिर रक्त स्त्राव, दीपन पाचन, इस तरह का लंघन नहीं करना है यहाँ पर, जो पहले हेमाद्री जी ने ही बताया था कि उस तरह का लंघन नहीं करना है, जैसे हम लंघन करने के लिए वमन करा रहे, ज्वर हुआ और वमन करा रहे, विरेचन करा रहे, विरेचन आप लोग सोचेंगे कि आम है बहुत ज्यादा, विरेचन करा दो, दोषों को निकाल दो, तो ये इस तरह का लंघन वर्ज्य बोला है, इसी तरह से बस्ती को वर्ज्य बोला है, नस्य को वर्ज्य बोला है, रक्तस्राव को वर्ज्य बोला है, दीपन पाचन भी नहीं देना है, लंघन मतलब उपवास ही करना है, उसी तरह से स्नान नहीं, पाचन हो गया, फिर उसके बाद में उदक वर्जन मतलब पानी छोड़ देना, या फिर अन्न का वर्जन, इस सब का, फिर व्यायाम करना, धूप में सेवन, मारुत का सेवन, ये जो इस तरह के लंघन है ना वो पूरी तरह से नहीं करना है। फिर ये जो है उपवास लक्षण, हम ये पढ़िए जी सर। यहाँ पे इन्होंने बोला है उपवास लक्षणम, उपवास लक्षण तू लंघनम नव ज्वरे कर्तव्यम एव। हाँ, मतलब यहाँ पर लंघन का स्पेसिफाई किया है कि उपवास ही कराना है आपे, आपको एकदम कुछ नहीं खाने को देना है, यहाँ पे इस तरह का ही लंघन होना चाहिए नवज्वर में जी। अब वो हिमाद्री जी की टीका पढ़िए जी सर। यहाँ उन्होंने बोला है स्नानादीनी ज्वरे निषेधति, मतलब स्नान निषेध किया। हाँ, जी, स्नान अभ्यंग प्रदेहश्चेति, स्नान अभ्यंग प्रदेह का निषेध किया। प्रदेह अनुलेपनम त्याग बोला है, लंघन का मतलब यहाँ स्पेसिफिकली बोला है उपवास करना है, कुछ नहीं खाने को देना।
नहीं तो आकांक्षा मैम, आप महाराष्ट्र का उपवास देखिए क्या क्या खाते हैं। आकांक्षा मैम है क्या? जी सर बिल्कुल देखियो सर, साबुदाना का वड़ा, आलू डाल के साबुदाने की खिचड़ी, भगर की खिचड़ी, ये सारी चीजें सर बिल्कुल चलती रहती हैं। और इवन सर महाराष्ट्र का ही नहीं, सब जगह यूपी में भी आजकल यही हाल है कि उपवास का मतलब यही है कि उन लोगों को लगता है, और सबसे एकदम फेवरेट चीज उसमें से एक हो गई साबुदाना, जो इतना गुरु करता है लेकिन उसके बाद भी सर वो उसका पकौड़े बनाना, उसके उसके ये खाना, तो ये सारी चीजें सर सब जगह ये हो गया है। बस एक शायद एक एकादशी का उपवास जो है वो एकमात्र शेष रह गया है जिसमें ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती और बहुत सारे लोग साबुदाना भी नहीं लेते हैं, तो इसलिए वो एकमात्र एक उपवास है जो वैसे भी शास्त्रोक्त रूप से भी अच्छा है और शारीरिक रूप से भी अच्छा है, क्योंकि उसमें जो पारण होता है वो द्वादशी पे करते हैं, तो एक अच्छा खासा 24 आवर्स का जो एक अच्छा लंघन होता है वो अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो सबसे अच्छा उसी से लंघन हो सकता है सर। और वो जो रोजा रखते हैं वो कितना टफ रहता है कि उसमें थूक भी नहीं घुटना है, पूरा रोजा में दिन भर थूकते रहो लेकिन एक घुट भी नहीं जाना चाहिए, वो तो कितना टफ रहता है गर्मी के दिन। लेकिन उसमें भी ना सुबह भर भर के खाते हैं 6 बजे, उसके बाद रोजा रखते हैं। लेकिन वो कितना डिफिकल्ट होता है, आप सोचिए थोड़ा एक घुट कुछ नहीं जाना चाहिए, कितना डिफिकल्ट होता है, उससे ताकत आ जाती। जी सर, जैसे कि इसमें प्रदेह के लिए ज्वर में मना किया है कि अगर कोई दाह हो रहा है तो हमें ज्वर की कंडीशन में कोई भी लेप नहीं लगाना है। सर अगर सिंपली अगर जिस पेशेंट को ये कंप्लेन है कि उसको हाथ पैरों में जलन है तो सर उसमें भी चंदन का लेप अच्छा, नहीं लगा। आपको आपको बुखार आया है और आप चंदन का लेप लगाएंगे? नहीं सर वो नहीं, अगर किसी को बुखार नहीं है दाह और का उसको... कंडीशन अलग है, वो तो दाह अलग है, वो तो बर्निंग अलग, यहाँ ज्वर को ध्यान में रख के बोले तो अदरवाइज हम चंदन का लेप लगाते हैं तो उससे आप लगाइए ना, हम अभ्यंग भी करते हैं, हम स्नान भी करते हैं। अभी तो एक मैडम कह रहे थे ना हाथ पैर में दाह हो तो चंदन लगाने से और कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसे कुछ बता रहे थे ना ऊपर, मैंने पित्त जब एग्रीवेटेड हुआ उसको अंदर ही अंदर उष्मा ना रह जाए, तब अंजना मैम और ने उस समय जब पढ़ रहे थे ना तो पित्त तो इसमें भी है ना, पित्त ज्वर में। हाँ तो मैम वही जानना चाह रहे थे, नहीं, अगर नहीं, नहीं, यहाँ पे ज्वर के कंडीशन में बिल्कुल भी लेप नहीं लगाना है। हाँ सर ज्वर में नहीं लगाना है, अगर हमारे पास विदाउट ज्वर कोई पेशेंट है जिसको कि हाथ पैर में जलन है तो वहां पर हम चंदन का लेप या चंदन का तेल प्रयोग करें या नहीं करें? करें, करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। बोला है अगुरुवादी लेप, बोला है तेल, बोला अगुरुवादी तेल क्यों बोला है, आप देखिए ना चरक संहिता में बोला है। नहीं मैम कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ पे ज्वर से रिलेटेड नहीं है ना तो वहाँ पे पित्त के उपक्रम करेंगे हम, क्योंकि जो भी पित्त की व्याधि है यहाँ पे हम अदर देन ज्वर अगर लेंगे तो पित्त के बाकी जो उपक्रम बताए गए हैं उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो आप करेंगे। तो अगर आप पित्त उपक्रम का अगर आप श्लोक देखेंगे इसमें वाग्भट में तो आपको उसमें आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर देन ज्वर अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और जीर्ण ज्वर में ही बोला है ना? हाँ मैम, पित्त ज्वर में तो हम शीर्षु लक्षण भी हो गए तो शुंठी लेप देते हैं ना। हेलो, लेकिन पहले लंघन कराना चाहिए, आगे आएगा लंघन करने 21 नंबर का श्लोक में लंघनम स्वेदनम कालोई, ऐसे ये अलग अलग कंडीशन में ट्रीटमेंट चेंज होते जाता है। पहले इन्होंने वमन भी बताया और यहाँ पे वमन बंद कर रहे हैं, तो हर जगह वो कंडीशन के हिसाब से चेंज करने को बोल रहे हैं। सर कल जो पेशेंट आई थी उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिस्कस कर ले, तो उसमें जो आपने बताया था उसमें क्रोध बहुत आता है, तो वहां पे हम पित्त ज्वर की उसको ट्रीटमेंट देंगे तो भी उसको फायदा होगा ना। हाँ पित्त ज्वर की सारी चिकित्सा करें, उनको कितना क्रोध है, और वो काम क्या कर रही थी, काम क्या करती है, क्लर्क का काम करती है ना, क्लर्क है सर वो। जी तो सर आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है वो बताइए। सर मैंने उन्हें सिर्फ अभी अन्योदुष्क में जो जर चिकित्सा बोली गई सर जी वही दिया था, बस और कुछ नहीं दिया, अभी हमारे पास पहली बार वो आए। सर दीपन पाचन से शुरू करिए, मतलब उनको क्या क्या देना, चावल का मंड दे दीजिए, शाम को दाल का पानी दे दीजिए, दिन में एक टाइम ही खाना खाना है, ऐसे करे हल्का खाना सर। और लहसुन आदि बट्टी, आरोग्य वर्धिनी बट्टी, ऐसे दाढ़ी मास्टक चूर्ण, द्राक्षा सौ, लवण भास्कर चून, हिंग वास्टर चून, ऐसे कुछ दीपन पाचन दीजिए उनको। जी सर, जी सर। सर ये क्या टाइफाइड वाले थे क्या, कि दूसरे पेशेंट? हाँ, टाइफाइड वाले आम इतना इकट्ठा हो रहा, 5 किलो आम है उसकी बॉडी में, पेशेंट को तो 5 किलो आम है। पवन जी ने एकदम 100% बोला आम बहुत है, इसलिए वो कैरियर है, बार बार हो रहा है।
सर इसलिए बार मैंने बार हो रहा है तो सारे लक्षण उसी के मिल रहे हैं, शिथिलता और वो सारा अग्निमांद्य और ये सारे लक्षण तो उसमें है। सर इसमें मैंने षटफल ग्रत और डाला था सर। नहीं हाँ ठीक है, षटफल गृह डालिए, लेकिन पहले लंघन कराइए, जितना लंघन जी सर करेंगे आम पचते जाएगा उतना फायदा होगा। और इसमें जय मंगल रस जो है ना बहुत बढ़िया काम करता है, धातुओं को बल देता है, और इस तरह के ज्वर में बहुत बढ़िया काम करता है जय मंगल रस, स्वर्ण जी सर भूपति रस, जय मंगल रस और विषम ज्वरांतक जी सर रहो। लेकिन पहले आपको लंघन कराना है, पूरा आम पचन होना चाहिए भले जी उसको, सर और एक टाइम खाना भी दीजिए, नहीं तो अति लंघन करने से वात का प्रकोप होगा। जी सर जी और सर इस इन पेशेंट को सर उन्होंने एक लक्षण नहीं बताया था, योनि कंडू बहुत ज्यादा है सर। योनि कंडू है तो आप उनको ये नीम का जो है होता है ना काढ़ा, उसमें सीड्स बात लेने को बोलिए, और शुद्धोद्गृहीत कैलाश जीवन लगा दें वहां योनि प्रदेश में, और पंचवल्कल क्वाथ त्रिफला क्वाथ से धावन कर दें, हो जाएगा ठीक वहां। मुझे योनि जी सर प्रदेश त्रिफला कंडू आ रहे हैं, मतलब कृमि होंगे ऐसा हो सकता है, क्लेद और कंडू, क्लेद भी होगा जी। सर त्रिफला और उसमें हरिद्रा डाल के कॉम्बिनेशन से प्रक्षालन कर हाँ रहे हैं सर, तो जब तक करते हैं तो रिलीफ रहता है और मतलब नाइट में फिर इचिंग होने लगता है सर। अगर ना वहां लेंस से देखेंगे ना तो छोटे छोटे कीड़े भी होंगे वहां पे, तो वहां जी सर बिडंग का प्रयोग करें, बिडंग आदि तेल, करंज आदि तेल, निम आदि तेल उसका उधर लगाएं या पिचू रख दें, बहुत छोटे छोटे कृमि होंगे वहां पे इसलिए खुजली आ रही है जी सर जी सर। जी और सर वो आप पहले ये कराते हैं उसके बाद में बस्ती मात्रा बस्ती बोल लेते हैं, उनके पेन भी था ना सर हाँ, अरे रिप्स में सात सर आठ वो दिन गिर तो ये पड़े थे। कर दीजिए, सात आठ दिन करने के बाद वैतरण बस्ती दीजिए या तेल का बस्ती दीजिए, लेकिन पहले आम पचन होने दीजिए और क्या रिजल्ट आ रहा है उनको लेके आइए, फिर 2 दिन बाद क्या बोल रही है। जी सर जी सर जी सर हाँ सर प्रणाम सर। स्वर्ण कल्प में आप इसमें स्वर्ण मालिनी वसंत, फिर उसके बाद में स्वर्ण मकर ध्वज वो देंगे तो धातु को बल मिलेगा। हाँ डॉक्टर नलिनी मैम बोलिए आप। सर ये हाई ग्रेड फीवर में कैसे मैनेज करें सर, आयुर्वेद से फिर ठंडी पट्टी नहीं रखना है ये तो। हाई ग्रेड पित्त ज्वर की चिकित्सा है ना आगे आएगी, अभी हम लोग बताएंगे। ठंडे पट्टे मतलब स्त्रोतोरोध नहीं होना चाहिए ऐसा, इसलिए निश्चित। हाँ पाठक सर, जी सर सर आप जैसे बताया ना कंडू जो है वहां पर कृमि के वजह से जो हो रहा है इचिंग हो रहा है, तो सर बहुत सारे ऐसे जो एनोरेक्टल जो पेशेंट्स रहते हैं, पाइल्स के पेशेंट या फिशर के पेशेंट, तो उनको अधिकतर हम लोग सीड्स बाथ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जब पेशेंट ठीक होने के बाद ना काफी समय तक वो इचिंग का कंप्लेन बताता है, तो ये उसको वही कंडू ही लेना चाहिए सर, मतलब कीड़े ही लेना चाहिए, कृमि ही लेना चिकित्सा चाहिए। करें, और वहां कभी कभी ड्राइनेस से किडनी कंडू हो रहा है, ड्राइनेस बाद के प्रकोप से हो रहा है कि कफ के वजह से हो रहा है, कंडू लक्षण जैसे हीट रहता है वो पित्त की वजह से रहता है, वैसे कंडू जो है वो कफ के और क्लेद की वजह से हो रहा है। जी जी सर हाँ, तो कफ और क्लेद की चिकित्सा करना है वहां पे, योनि धावन करिए, मतलब पंचवल्कल क्वाथ त्रिफला क्वाथ, क्योंकि एंटीबायोटिक है ना पंचवल्कल और त्रिफला, योनि धावन करना है वहां पे, हाइजीन मेंटेन रखना है, जो अंडर गार्मेंट पहन रहे हैं वो अच्छे से धुले हुए होने चाहिए वहां, मतलब हाइजीन मेंटेन रखें। जी जी सर ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो पवन जी आप शांति पाठ कर देंगे। हाँ सर नमस्कार। हाँ सर बताइए सर। हाँ सर कल वो बात अधूरी रह गई थी, आज के लिए कहा था सर कि वो भाई साहब का वो दिन हुआ था ना चर्चा, कल शाम को भी चर्चा हुआ इस विषय में, तो उनका सर जैसे कि आपने बताया था कि लवण भास्कर चूर्ण हिंगोष्टक चूर्ण दे सकते हैं, तो सर लवण भास्कर चूर्ण या हिंगोष्टक चूर्ण में जितने भी लवण है उसमें तो सर सोडियम क्लोराइड तो होता ही सर, मेन तो वही होता है, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं रहता है कि जी समुद्र लवण होके फिर उनका किडनी को तकलीफ हो या हार्ट को तकलीफ हो, जी वो जो भावना दिया जाता है नीम के जी रस का, तो वो दीपन पाचन ही करता है, शरीर के जी लिए जी पॉजिटिव काम करता है, और हम थोड़ा थोड़ा देते हैं तो वो पॉजिटिव जी काम करेगा दीपन जी पाचन। आपको जी अगर इतना अगर शक हो रहा है, आपको खुद की दवाई पे विश्वास नहीं है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए, आप लहसुन आदि वटी दीजिए या त्रिकटु दीजिए, पंचफल दीजिए, दीपन पाचन करके ही आगे बढ़िए। ठीक है जी जी पवन जी, आप बताइए जी, अभी चर्चा को थोड़ा रोक जब तक हाजमा ठीक ना हो जाए तब तक चला दें।
सर जब तक भूख तेज नहीं होती तो हम लोग शाम को फिर मिलेंगे सर, संभाषा में मिलेंगे और अच्छे से टाइम पे बात करेंगे। पवन जी आप कृपया शांति पाठ करिए क्योंकि टाइम हो रहा है जाना है। ओ ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जो शांति अंतरिक्षग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति सामा शांति रेवा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैद्य गणों को नमस्कार, शुभ का दिन शुभ हो जी। अब हम शाम को मिलेंगे, सभी लोगों को थैंक यू प्रणाम। आप लोग बहुत आगे तरक्की करिए, आज का दिन आप लोग सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो टीचर हैं वो सबसे अच्छा टीचिंग करने वाले हैं, जो लोग चिकित्सा करते हैं सबसे अच्छा चिकित्सा करेंगे, और आपके पास आज सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है। तो और ऐसे खुश होके आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा होने वाला है सबका जी। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। नमस्ते। प्रणाम।